कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान का शुभारंभ पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष संजय पांडे की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अमर शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और वंदे मातरम गायन से शुरू किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि पार्टी पुनः सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, जिसमें सभी को अपनी अपनी भूमिका अदा करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने समाज के सभी वर्गों, चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता, महिला समाज सेवी और प्रबुद्ध जनों को सदस्यता दिलाई और मंगल पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हर 6 वर्ष में पुनः सभी को सदस्यता का नवीनीकरण कराती है, साथ ही नए सदस्यों को भी जोड़ती है। हम सभी कार्यकर्ताओं को मनोयोग से लगकर जिले में 10 लाख नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य पूरा करना है। इसके लिए हम सभी को शहर से लेकर गांव-गांव में प्रवास करना होगा। प्रदेश मंत्री संतोष रंजन राय ने बताया कि डिजिटल युग में हम सभी को मोबाइल से सदस्यता करना है और जिनके पास मोबाइल नहीं है उन सभी समर्थकों को रसीद काट कर सदस्य बनाना है। मंच संचालन डॉक्टर कुंदन कुमार ने किया। इस अवसर पर दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, गोरैया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद चौहान, प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह, जिला सदस्यता अभियान प्रमुख राहुल तिवारी, शंभु गुप्ता, प्रमिल कुमार गोप, राजीव कुमार बिट्टू इत्यादि के साथ सभी जिला पदाधिकारी, मंच मोर्चा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष इत्यादि लोग उपस्थित थे। हर जगह आज शुरुआत की गई है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2 सितंबर से चालू हुआ। उसी क्रम में कल प्रदेश मुख्यालय में 3 तारीख को पटना में शुरू हुआ और आज सभी प्रमंडलों और जिलों में इसकी शुरुआत आज और कल में होने वाली है। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी सिवान जिला के कार्यालय में जो जिला के हमारे विशिष्ट लोग हैं, समाज सेवी, चिकित्सक, अधिवक्ता, व्यवसायी, खिलाड़ी, कलाकार, ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आज यहाँ बनाया गया है। आज देख रहे होंगे कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में फिर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सब बन रहे हैं और यही एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिस पार्टी में सभी काम बहुत पारदर्शी तरीके से और सभी के सामने किया जाता है। हम सदस्य भी बनाते हैं तो मीडिया को बुला के सार्वजनिक कार्यक्रम करके सदस्य बनाते हैं। हम मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन करते हो या जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो भी सार्वजनिक रूप से खुला मंच पे करते हैं, जनता और मीडिया के सामने करते हैं। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे अपने कार्यकलापों के आधार पर दिखाई पड़ती है और हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी, ये सदस्य ही आगे भविष्य में चल के कार्यकर्ता बनते हैं, फिर नेता बनते हैं और नेता से फिर नेतृत्व करने वाले बनते हैं। और यही पार्टी है जहां किसी को मालूम नहीं कि आज जो सामने बैठा हुआ है कल हो सकता है वो प्रदेश का नेतृत्व करने वाला बने। मेरे ही जैसा कार्यकर्ता, मैं क्या कभी आज से 30 साल पहले सोचा भी नहीं होऊंगा कि मैं पार्टी का कभी प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा। ऐसे कई लोग हैं जिनको दायित्व मिलता रहता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तो कार्यकर्ताओं के बीच से नेतृत्व का निखार भारतीय जनता पार्टी में होता है।
तो दूसरे दलों में नहीं, ये लालू जी की पार्टी नहीं है कि लालू जी होंगे या उनके परिवार का कोई होगा, उनकी धर्मपत्नी जी होंगी या उनके बड़े पुत्र छोटे पुत्र बड़ी पुत्री छोटी पुत्री, परिवार से बाहर कोई पार्टी का नेता नहीं हो सकता है। अध्यक्ष परमानेंट परिवार में, कांग्रेस पार्टी अध्यक्षता अपने ही इर्द गिर्द रखना और देना भी उसी को देना जिसको वंशी पकड़ के दाएं बाएं घुमा सकते, मतलब दूसरे कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ताओं को विकसित करके उसे नेतृत्व प्रदान करती है और जनता का काम करती है। आज उसी के तहत अभियान की शुरुआत हुई है और सीमांत जिले में सीमांत जिला भाजपा ने लक्ष्य रखा है 8 लाख से अधिक सदस्यता सीमांत जिला में करेंगे। सर जो घर बैठे हैं, जो ये न्यूज देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और अगर वो चाहते हैं सदस्यता लेना है? मैं अपने सभी जिला वासियों से और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे हमारी बातों को सुन रहे होंगे उनसे मेरा आग्रह होगा कि देश के प्रखर नेता दुनिया के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और जो पार्टी इस देश को आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के लिए संकल्पित है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता के नेतृत्व में वैसे पार्टी से वैसे नेता से समाज के सभी लोग जुड़े, यह मेरा आग्रह होगा। और पार्टी से जुड़े हुए पार्टी का सदस्य बनना है और पार्टी का सदस्य बनने के लिए मेहनत नहीं करना, आपके घर में अपना मोबाइल, आप मोबाइल पे 8800002024 डायल करें, डायल करने के बाद आप नरेंद्र मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लगे जुड़ेंगे, आपकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हो जाएगी और फिर जो जानकारियाँ उसे मांगी जाएंगी, आप उन जानकारी में अपना नाम पता वगैरह भर देंगे तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट होकर चला जाएगा और आप पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होकर पहचान पत्र ही आपको मिलेगा। तो मेरा आग्रह होगा जो मैं बातों को सुन रहे हो आपके चैनल के माध्यम से, वही 8800002024 नंबर पर भाजपा का सदस्य है। सर आप लालू जी की बात नाम लिया, आपने उनकी लालू जी का नाम लिया कि उनकी पार्टी ऐसे करती है, तो लालू जी ने पहले एक ट्वीट किया था RSS और बीजेपी के कान पकड़ने, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है? अच्छे भाग का ये सोचा जा सकता है कि वो इससे कोई चीप सा बोल सके, लालू जी की पहचान का है अमर्यादित बात बोलना, लालू जी का पहचान है हल्की बात कहना, ऊंची बात कहना, लालू जी हंसी मजाक के पर्याय है, तो जो जिनकी पहचान हंसी मजाक के पर्याय के रूप में ऊंची बात करने की हो, हल्की बात करने की हो, अमर्यादित बात करने की हो, अब वो वैसे ही मृतक के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जनता ही हमको ऐसे ही भाषाओं के कारण राजनीतिक रूप से उनको उनकी औकात को पहुंचा चुके हैं। सभी एमएलसी विधायक एमपी को आज बैठक में बुलाए हुए हैं, पटना में एक बड़ी बैठक चल रही है आरजेडी की, अचानक से इस तरह बैठक का क्या मायने है? ये कुछ भी करे चूंकि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 4 सीट लेंगे पार्लियामेंट, वो बखलाहट भी है, गुस्सा भी है, लाज भी बचाना है, अब लाज बचाने के लिए रोड पर निकलेंगे, भाषण देंगे, बैठक करेंगे ताकि लाज पहुंच जाए कि हम 4 सीट के जीत पाए हैं, इस पर बहुत ऊंचा पूछी नहीं, याद कीजिए तो लोकसभा चुनाव के पहले 30 सीट का नहीं दावा जी, तो 30 का दावा करने वाला आगे 4 पर, तो उनके कार्यकर्ता हताश निराश है और हताश निराश कार्यकर्ता हुए इकट्ठा कर अपने भी भीतर से हताश है, तो हताश ही दूर करना है, तो हताशा दूर करने के लिए ये सब दंड बैठक उठा बैठक ये सब होता है, ये सब उठा बैठक से कुछ होना नहीं है, यहाँ की जनता ने दोबारा दिया है आपकी राजनीतिक औकात 40 पे 4 की रही है, विधानसभा में दहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर की बड़ी शिकंजा करने की कोशिश की जा रही है, भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है दिखे नीतीश कुमार के ऊपर आरजेडी की एक बार शिकंजा कर रही है और उनके ऊपर डाल रही है? बहुत साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी लोगों को बता दिया है, वो वैसे लोग हैं जिन लोगों ने इस राज्य की स्वतंत्रता को, जिन लोगों के कारण इस राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा, जिन लोगों के कारण इस राज्य में अपराध बढ़ा और ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधियों परिवारवादी लोगों को कभी भी अब संरक्षण और परस्य नहीं मिलने वाले।